मोबाइल की लत से छुटकारा कैसे पाएं या मोबाइल की लत कैसे छोड़ें, आप ये चीज भी मोबाइल के ऊपर आकर ही देख रहे हो। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि आप ना अच्छे खासे एडिक्टेड बन चुके हो अपने फोन के। हाय, मैं राजवी दिस साइड, यू आर वाचिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट विद राजवी। और आज की वीडियो जो है ना, ये हमारी इनर पर्सनालिटी से रिलेटेड होगी, क्योंकि हम क्या है, ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। और हमारे इमोशंस क्या है, ये जो हमारा फोन है ना, इसमें जितने भी कंपनीज हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एप्स वगैरह हैं, जिनके लिए ना आपकी अटेंशन बहुत ज्यादा कीमती है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा शायद, बट आपकी अटेंशन के ऊपर ना उनका धंधा बन रहा है। तो आप क्या है, इमोशंस में आते हो, वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी एप्स वगैरह चलाते हैं, कुछ भी आपकी क्या है, अटेंशन उनको मिल जाती है, आपके इमोशंस के साथ ना वो एक तरीके से खेल जाते हैं। और वहीं पे क्या है, आप उसमें जितना ज्यादा डीप चलते जाते हो ना, एक फैक्ट भी है कि हमारा ब्रेन अगर किसी चीज के बारे में थोड़ा सा जान लेता है, जैसे आपको मोबाइल चलाना आ गया है ना, थोड़ा बहुत आपने चीजें सर्च वगैरह करनी सीख ली, आपने चीजें देखनी वगैरह शुरू कर दी, तब क्या है, आपका इंटरेस्ट उसमें और भी ज्यादा जो है हो जाता है। आप जितना उस चीज से बाहर आना चाहोगे ना, आप उतना ही ज्यादा उसके अंदर जो है चलते जाते हो। तो इस वीडियो में ना मैं आपको जो चीज बताऊंगी वो क्या है, कि आप किस तरीके से अगर आप एडिक्टेड हो चुके हैं मोबाइल के, आप छोड़ सकते हो। और वो चीज ना काफी ज्यादा वर्किंग है, बाकी कुछ की चीजों से तो काफी ज्यादा वर्किंग है। ऐसा नहीं है कि आपने दो चार लाइनें किसी से सुन ली, दो चार लाइंस मैं बोल रही हूँ, आप कुछ चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो, उसके बाद आप फिर वही 24 घंटे आपके हाथ में मोबाइल रहता है, बिना काम के भी आप शॉर्ट्स देख लो, इंस्टाग्राम रील्स देख लो, वेबसाइट्स के ऊपर विजिट कर लो, एप्स के ऊपर विजिट कर लो, चैट वगैरह कर लो, ये सब आप ना एक तरीके से अननेसेसरी चीजें करते हैं, ना चाहते हुए भी आप वो चीजें जो है ना करते जा रहे हैं। यहाँ पे ना एक दिन मैं एक स्पीच सुन रही थी बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन की, उसने ना बहुत अच्छा ये बताया था कि जितने भी लोग पुअर होते हैं ना, वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जितने भी लोग गरीब होंगे वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। और वो क्या करते हैं, खुद को हैप्पी फील कराने के लिए वो खुश नहीं होते हैं, वो जस्ट खुद को हैप्पी फील कराते हैं कि हाँ मैं खुश हूँ, असल में उनके पास इतना कुछ होता नहीं है खुश होने के लिए। तो वो क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस का सहारा लेते हैं, जितना भी इजी अवेलेबल डिस्ट्रैक्शंस होती है ना उनके पास, मोबाइल्स हो गए, ऐप हो गए, वेबसाइट्स हो गई, ये क्या डिस्ट्रैक्शंस है, जहां पे जाके वो खुद को हैप्पी फील कराते हैं, एक्चुअल में वो हैप्पी नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा अचीव नहीं किया है जो उनको हैप्पी फील करा सके, वो सक्सेसफुल नहीं बने हैं, उन्होंने अपने ड्रीम्स नहीं पूरे करे हैं, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, पुअर होते हैं। और खुद को हैप्पी फील कराने के लिए जितना भी इजी अवेलेबल डिस्ट्रैक्शंस होती है ना, वो उनका सहारा लेते हैं। और अगर आप इन सब चीजों के एडिक्टेड हो चुके हो, आपका इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, देन डेफिनेटली आप क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे। अभी आप सक्सेसफुल भी नहीं हो फिर, और अभी आपने अपना ड्रीम गोल जो है आपका, आपने वो भी अचीव नहीं किया है, इवन आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, पैसे के मामले में हाथ काफी जो है ना तंग रहता है, इट्स अ क्लियर साइन। तो यहाँ से क्या सीखने को मिलता है कि आपने रिच बनना है, रिच मेंटली रिच बनो, आपका माइंडसेट रिच होना चाहिए, सो दैट ये सारी जो चीजें हैं ना, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये आपके ऊपर असर ही ना करें, आप इतने ज्यादा सेल्फ अवेयर रहो, खुद को लेकर आप इतना ज्यादा आप में क्लैरिटी होनी चाहिए। और इसका एक ही तरीका जो मेरे को आज तक लगता है ना, दैट इट्स गेम, आप ना चैलेंज ले लो, चैलेंज इन द सेंस कि आपको खुद को फोर्स ही करना पड़ेगा। जैसे अननेसेसरी आप फोन चलाते हो जब भी, कि जैसे अभी मेरे को कोई काम नहीं है ना, देन फोन को मैं टच भी नहीं करूँ, ये चैलेंज हो गया, आप इसे लेकर चल सकते हो, आप खुद को इतना फोर्स कर सकते हो ना कि अगर मेरे को मेरे फोन के ऊपर कोई काम नहीं है, मेरे को किसी को कोई ईमेल नहीं भेजनी है, कोई मैसेज नहीं करना है इम्पोर्टेंट, कोई कॉल इम्पोर्टेंट रिसीव नहीं करनी है, मेरा कोई काम नहीं है उसके ऊपर, देन आप मोबाइल को यूज नहीं करो, इतना तो कर सकते हो ना, हाफ दिन का पहले लेकर चलो, दोपहर के बाद रात तक आप इस चैलेंज को लेकर चल सकते हो, दिन में जो एंटरटेनमेंट करना है आपको कर लो, बट आपको एक तरीके से इन द सेंस कि खुद को फोर्स करना पड़ेगा, ये चैलेंज जो है ना लेना पड़ेगा। जब आप इस चीज से दूर हो गए ना, तब आपको बहुत सारी चीजें वैसे ही समझ में आएंगी, आपका दिमाग खुलेगा, आपका दिमाग चलेगा, कहीं ना कहीं ये चीज ना आपको रोक रही है बहुत।
ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। आजकल हम उतना ज्यादा अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं जितना हम दूसरे की लाइफ के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू हम क्या है उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं एक तरीके से। बट वो क्या है, वो आपको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते, एक तरीके से टाइम वेस्ट हो गया। आप टोटली अपने एफर्ट्स जो है वेस्ट कर रहे हो जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आप उस टाइम में खुद के लिए भी कुछ कर सकते हो, कुछ बन सकते हो, कुछ अचीव कर सकते हो, एटलीस्ट उससे तो कुछ अच्छा ही करो। तो इस चीज को क्या है थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने, जस्ट एक चैलेंज की तरह उस चीज को लेकर चलो कि नहीं चलाना है मोबाइल, मतलब अननेसेसरी नहीं चलाना है। पहले बैठ लो, कोई बात नहीं, ऐसे ही बैठे रहो, कुछ सोचते रहो, इमेजिनेशन करो, कुछ नहीं जाता है इस समय, ठीक है ना। बट आपने क्या है मोबाइल यूज नहीं करना है। एक दिन फॉलो करो, दो दिन करो, तीन दिन करो, फोर्थ डे आपका खुद ही मन नहीं करेगा इस मोबाइल को चलाने के लिए, अननेसेसरी इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, यही थी आज की वीडियो। ये सबसे प्रैक्टिकल चीज है क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है, आप खुद को ज्यादा अच्छे से जानते हैं, आपको खुद को फोर्स करना ही पड़ेगा। अगर कोई दूसरा आपको बोलेगा ना मत चलाओ फोन, ये सब है, टाइम वेस्ट है, बेकार है, आप नहीं मानोगे, आप और भी ज्यादा मोबाइल को यूज करोगे। जब तक आप खुद को फोर्स करने के लिए रेडी नहीं हो, तब तक कोई दूसरा अगर आपको फोर्स भी करेगा ना, आप उसकी नहीं सुनोगे। सो इट्स बेटर कि अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम आप खुद ही करो और खुद को फोर्स करो, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में जो है रखना है। अगर आप चैनल पे नए हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट सीखना चाहते हैं, देन क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सी यू टुमारो।